एक बार फिर से आप सभी का मेरे जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन JNK बोर्ड Unit 1 टॉपिक मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा जनरल कि फिजिकल एजुकेशन आज इसकी जो प्लेस है, आज एकेडमिक जो इसमें जो प्लेस है, स्कूलों में जो प्लेस है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है दूसरे सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है। इस सब्जेक्ट के थ्रू हमारी सोशली, मेंटली, फिजिकली, कल्चर, स्पिरिचुअली डेवलपमेंट होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन एक क्या है, दो वर्ड से बना है, फिजिकल एंड एजुकेशन। तो फिजिकल का मीनिंग क्या होता है, तो फिजिकल का मीनिंग होता है जो हमारे बॉडी के साथ रिलेटेड हो। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल जो हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन में, बार बार हम किसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन में एक्टिविटी के बारे में, हम अपनी बॉडी के रिलेटेड के बारे में, किस तरह की फिजिकली उसकी फिटनेस है, किस तरह का फिजिकली उसका एंड्योरेंस है, किस तरह से फिजिकल दिखता है, किस तरह का उसकी हेल्थ किस तरह की है, इसलिए वो फिजिकल का जो बोर्ड है वो रिलेट करता है हमारी प्रैक्टिकल के साथ या फिजिकल एक्टिविटी के साथ। तो दूसरी तरफ जो बोर्ड है एजुकेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड प्रोग्रेस। जैसे स्कूल में हमें टीचर क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, जिससे हमारे बिहेवियर में क्या आती है, चेंजिंग आती है। तो एजुकेशन एक क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो हम बचपन से सीखते हैं, टिल डेथ तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन ये नहीं है कि हमें एजुकेशन एक सिर्फ एक क्लास रूम में ही आती है, आप एजुकेशन कहीं से भी गैदर कर सकते हो। और एजुकेशन से ही क्या होता है, हमारे बिहेवियर में क्या आती है, चेंजिंग आती है। तो एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टूवर्ड प्रोग्रेस, जो हमें हमारे बिहेवियर को चेंज करती है और हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाती है, वो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस अगर हम निकालें तो निकलता क्या है कि एजुकेशन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एजुकेशन, जो हमें टीचर पढ़ाते हैं थ्रू एजुकेशन के जरिए हमारे बिहेवियर में क्या आती है, चेंजिंग आती है। तो फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, जो एक्टिविटी के जरिए हमारे बिहेवियर में जो चेंजिंग आती है, जो हमारा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है स्पोर्ट्स में, वो कैसे रहेगा, किसके थ्रू होता है, वो फिजिकल एक्टिविटी। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप इसके आप नोट्स बना सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कुछ ऐसे ऑथर है, कुछ ऐसे राइटर है जिन्होंने डिफाइन किया है फिजिकल एजुकेशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे JF Bellum की डेफिनेशन। JF Bellum का नाम है जॉन फ्रैंकन बिलियम, जिनका जन्म 1854 और डेथ इनकी हुई थी 4 सितंबर 1911 में। ये एक राइटर थे, जियोग्राफर थे, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, कार्टोग्राफर, एडिटर और इन्वेंटर थे। इन्होंने बहुत सारे इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं और आर्टिकल। अकॉर्डिंग टू JF Bellum के मुताबिक इन्होंने क्या डिफाइन किया फिजिकल एजुकेशन को, फिजिकल एजुकेशन द सम ऑफ मैन फिजिकल एक्टिविटी सिलेक्टेड कंडक्ट टू डेवलप पर्सनैलिटी। सेकेंड डेफिनेशन है रोजालिन कैस्टीडी, जिनका जन्म 1895 और डेथ हुई थी 1980 में। इन्होंने ग्रेजुएट किए, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मिल कॉलेज और जो कैलिफोर्निया में है। तो फिजिकल एजुकेशन में इन्होंने डिग्री की थी कंप्लीट। तो ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने 1918 में इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया था एज ए इंस्ट्रक्टर इन फिजिकल एजुकेशन। और इन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हुई हैं, आर्टिकल लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट करके ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेल्बर्ट ओबटाफोर, इनका जन्म हुआ था 1901
1981 में इनकी डेथ हो गई थी। वो जे यूएसए के हैं और जे प्रोफेसर भी रह चुके हैं और जे वही स्टेट में जे पढ़ाई करते थे 1932 से लेके 1966 तक जे उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और जे मैन ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जे हेड रह चुके हैं 25 साल तक जे हेड रह चुके हैं। जे एक ऐसे इंसान है जो जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा एक बुक्स लिखी हैं और आर्टिकल लिखे हैं। फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ये तीनों डेफिनेशन है बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल उन्होंने लिखा ही अलग अलग है पर इनके कहने का मतलब सेम ही है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? ऐसे वो एक्सपीरियंस जो हमें खेलने से आता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, मतलब ऐसा वो एक्सपीरियंस जो इंसान के अंदर कैसे आता है, खेलने से।